रिलीजन। तो आज हम रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो नॉर्मली रिलीजन के बारे में तो सभी को पता होता है कि धर्म धर्म क्या है। सो नॉर्मली रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो माना जाए तो धर्म है क्या, हमारा एक विश्वास है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना विश्वास होता है। किसी जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कि ग्रुप्स बने होते हैं रिलीजन पर जो विश्वास करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के रिलीजन्स होते हैं। और जो व्यक्ति सेम रिलीजन को बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं उनमें, तो वो एक एक ग्रुप बन जाता है। एक्सपेक्शन फ्रॉम द बिलीवर्स इज दैट दे विल नॉट फोर्स अदर्स बट फॉलो देयर फेथ बट अलो एवरी पर्सन टू बी फ्री इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो वो क्या होता है, एक्सपेक्ट वो ये करते हैं, विश्वास ये रखते हैं कि वो किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि वो उनका विश्वास करें, उनके रिलीजन पर विश्वास करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो इक्वल है और उसे इतना राइट है कि वो अपने व्यूज़ जो हैं वो रख सकता है, अपना जो भी रिलीजन है उसे फॉलो कर सकता है। ये हर एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। द रिलीजन विल नॉट बी मिक्स्ड विद पॉलिटिक्स। अब जो धर्म है उसे भी पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। एंड दैट द स्टेट एंड रिलीजन विल बी केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो स्टेट और रिलीजन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि सेकुलरिज्म में होता है। जैसे हमें पता है कि ये तो इंटरनेशनल है, लेकिन नेशनल लेवल पर जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है, धर्म निरपेक्ष देश है, तो उसमें किसी भी धर्म को जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाती, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता। तो ये ऐसे ये भी ये बताना चाहते हैं कि स्टेट और रिलीजन जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब कि एक जो स्टेट है उसने तो सभी के साथ इक्वालिटी करनी है, तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर एक रिलीजन इक्वल होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को इतना हक होना चाहिए कि वो अपना जो फेथ है, अपना जो बिलीफ है वो रख सके, अपना रिलीजन वो चूज़ कर सके। हाउएवर इन रीसेंट टाइम मिलिटेंट रिलीजियस मूवमेंट्स कैन बी सीन ऑन द राइस। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। द मिलिटेंट रिलीजियस मूवमेंट्स हैव सर्टन करैक्टरिस्टिक्स। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनके कुछ अपने करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर वन, सच मूवमेंट दैट टेंड टू व्यू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एज करप्ट एंड इलेजिटिमेट बिकॉज इट इज़ सेकुलर। तो कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है, इलेजिटिमेट है, मतलब कि वो लीगली काम नहीं करती, चाहे वो सेकुलर है लेकिन वो लीगली काम नहीं करती। दे कंडेम डोमेस्टिक इल्स ऑफ द सोसाइटी एंड ट्राई टू सब्स्टिट्यूट देमसेल्व्स फॉर द गवर्नमेंट। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारी स्टेट के डोमेस्टिक इल्स हैं उन्हें निकालते हैं और अपने गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के लिए उसे जैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे यूज़ करते हैं। दे ट्राई टू ब्रिंग ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज़ इन द हैंड ऑफ बिलीवर्स। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो विश्वास रखते हैं उनके हाथों में होनी चाहिए। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज यूनिवर्सल which means militant religious movements do not recognize international boundaries for propagation of their faith। तो क्या होता है कि जो rights हैं वो तो universal होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि militant religious movement है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है religiously किसी को जो है उसके rights को ना माने। international boundaries हैं लेकिन फिर भी हर एक को right है कि कुछ कोई भी रिलीजन को वो मान सकता है। दे आर एक्सक्लूजनिस्ट एंड ऑल नॉन बिलीवर्स। तो कई बार वो नॉन बिलीवर्स भी होते हैं, तो किसी को भी फोर्सफुली हम नहीं कह सकते कि आप ये रिलीजन को मानो। आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। तो इन्हें सेकेंड क्लास सिटीजन्स भी कहा जाता है। दे बीइंग मिलिटेंट्स एंड लर्न टू यूज कोअर्शन अचीव देयर मूवमेंट्स। तो जो मिलिटेंट्स होते हैं कई बार दूसरे वेज अपनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने कार्य को पूरा करने के लिए। सो
कल्चर एंड आइडेंटिटी। Political scientists all over the world have argued that around 75% of the conflict in the world are identity conflicts. Identity क्या होता है? Similar, जो same होते हैं। तो जो हमारे political scientists हैं वो ये कहते हैं कि 75% जो है problems इसीलिए आते हैं, identity conflicts इसीलिए होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो similar होती हैं। आइडेंटिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सेंस ऑफ सेल्फ विच अ पर्सन हैज़। और आइडेंटिटी जो है हम उसे ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति सेल्फ अपने लिए जो है वो जो सोचता है। इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन हु आर यू। तो ये वही क्वेश्चन का आंसर है कि आप कौन हो, हु आर यू। एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन आइडिया ऑफ आइडेंटिटी। और हर एक व्यक्ति जो है उसका अपना अपना आइडिया होगा, अपनी अपनी आइडेंटिटी होगी। सो आइडेंटिटी इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो आइडेंटिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ द सेम इंटेंट कम एंड लिव टुगेदर इन अ ग्रुप दे फॉर्म अ कल्चर। तो कल्चर क्या होता है कि जब सेम व्यक्ति, एक जैसे व्यक्ति जो हैं, अब एक ग्रुप के व्यक्ति जो हैं इकट्ठे रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कल्चर। द ग्रुप कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इंक्लूडिंग सिमिलर बिलीव्स नॉर्म्स प्रैक्टिसेस टुगेदर फ्रॉम द कल्चर। तो क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है सभी साथ में रहते हैं, उनके अपने व्यूज़ होते हैं, उनकी बिलीव्स होते हैं, और साथ में जो सारा काम करते हैं, जो उनके एक रिलीजन के प्रति कह लो या उनका जो कल्चर होता है, एक कल्चर को फॉलो करते हैं, और वो सब एक कल्चर के होते हैं। आइडेंटिटी कैन नॉट एग्जिस्ट वैक्यूम सो इट गिव्स बर्थ कल्चर। तो आइडेंटिटी कई बार जो सिमिलैरिटी होती है कि ये ग्रुप सिमिलर हैं, इनके ये बिलीव्स हैं, तो आइडेंटिटी जो एक होती है वो अलग नहीं रह पाती, तो वो एक कल्चर बनाती है। कल्चरल आइडेंटिटी हैज़ मैनी वेरिएशंस। और जो कल्चरल आइडेंटिटी होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग उनकी वेरिएशंस होती हैं। इट कुड बी बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, क्लास, रिलीजन इत्यादि। तो वो अलग अलग रेस के हो सकते हैं, अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग क्लास के हो सकते हैं। सो आइडेंटिटी वॉर्स आर बिकमिंग क्वाइट कॉमन इन द प्रेजेंट एरा। तो आजकल ये जो आइडेंटिटी है वो बहुत कॉमन हो रही है। तो उसके क्या क्या कारण है? फियर ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो वो सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, तो उन्हें डर हो जाता है। फियर ऑफ एजिमिलेशन, फियर ऑफ मार्जिनलाइजेशन, सेंस ऑफ पावरलेसनेस, सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पावर कम हो गई है, या फिर कोई भेदभाव हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन है यहाँ पे, तो मतलब कि हम वहाँ पे घुल मिल नहीं रहे, एजिमिलेट नहीं हो रहे। तो ये जब ऐसे डर हो जाते हैं या हमें ये लगता है कि हमारी पावर नहीं है, तो हम कई बार सोचने लग जाते हैं कि हमारी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी हर एक की होती है। कल्चर जो है अलग अलग होता है, लेकिन अपने कल्चर की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। सो आज का यही टॉपिक था कि आइडेंटिटी और कल्चर क्या होता है। जो आइडेंटिटी होती है, अलग अलग व्यक्ति जो हैं जब उनकी एक आइडेंटिटी बनती है, ग्रुप जो है वो अलाइक उनके व्यूज़ होते हैं, तो वो जो एक कल्चर का रूप धारण करते हैं। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।